हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल सिलाई में। दोस्तों, आज हम बाजू पे बहुत प्यारा बाजू की स्कैल्पिंग का डिज़ाइन बनाएंगे, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। दोस्तों, ये कटी कटाई टेलर की शॉप पे मिल जाती है, जहाँ पे मटेरियल का सामान मिलता है। 20 रुपये के अंडर आ जाएगी ये, तो आप ये ले आए तो और इसको एक कपड़े पर चिपका लेना आपको, ठीक है दोस्तों, इस तरीके से। और इसके नीचे वाला साइड हमें फोल्ड कर देना है, जैसे मैंने फोल्ड करा है। और चाहे तो आप इसको सेम कपड़े पर चिपका सकते हैं, और अगर आपके पास सेम कपड़ा नहीं है तो आप किसी अलग कपड़े पे जो आपके पास हो वेस्ट पड़ा हुआ उस पर भी चिपका सकते हैं। और फिर हमें एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए, ये देखिए जो गोल घूम रहा है उसके ऊपर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरीके से। अब हमें बाजू लेनी है अपनी। दोस्तों, हमारी बाजू है और इस पे हमें लेंथ का निशान लगाना है, जितनी भी हमारी लेंथ होगी। देखिए जैसे मैंने कट लगा रखा है पहले से, हमारा लेंथ का निशान है, इसे हम निशान लगा के एक सीधी निशान लगा लेंगे। आप चाहे तो आपको अंदाज़ा हो तो आप बिना निशान के भी उसको डायरेक्ट लगा सकते हो, बट अगर आप निशान लगा लो तो और ज़्यादा ईजी होगा। इस तरीके से सीधा कर लेंगे, ये निशान आ गया दोस्तों ऊपर। अब क्या करना है, इस निशान के ऊपर हमें ये स्कैल्पिंग रखनी है। और दोस्तों ध्यान देना, ये जो हमारा गोल वाला हिस्सा है इसको उस निशान से टच करके रखना है, ठीक है दोस्तों। ये वाला हिस्सा है, इसको बिल्कुल इसके ऊपर रखना है और इसके बराबर से हमें सिलाई लेके जानी है। ये देखिए इस तरीके से। पहले हम एक सीधी सिलाई लगाएंगे, ठीक है, इसको ऐसे मिला मिला के हम उसके किनारे से सिलाई लगाते हुए ले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये दोस्तों हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारा गोल गोल स्कैल्पिंग है, देखिए इसके बिल्कुल जड़ से हमें सिलाई लगाना है, ठीक है, इस तरीके से। इसके जड़ जड़ से हमें सिलाई लगाना है पूरे बाजू की स्कैल्पिंग पे। ये देखिए इस तरीके से। ध्यान रखें हमें बुकरम को ऊपर नहीं चढ़ाना है, पेस्टिंग को ऊपर नहीं चढ़ाना है, हमें उसके बगल से सिलाई मारनी है उसके जड़ में, इस तरीके से। ये थोड़ा दोस्तों बारीक काम है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के आराम आराम से कर ले तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों लगभग हो गया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर दोस्तों आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों हो गया है, ये एक्स्ट्रा कपड़ा काट देता हूँ मैं। हम क्या करना है दोस्तों, इसके सेंटर में हमें इस तरीके से सेंटर में कुटका लगाना है, ठीक है। देखिए इस तरीके से हमें सेंटर में कुटका लगाना है, एक कट बिल्कुल। और याद रखना दोस्तों कि इससे हमारा सिलाई ना कटे, हमें ना सिलाई के बिल्कुल ही बगल में ये कट लगाना है। अगर हमारा सिलाई कट गया तो फिर खुल जाएगा, इसलिए हमें ध्यान देना सिलाई के बगल में हमारी ये कुटका आना चाहिए। देखिए इस तरीके से, थोड़ा बारीक काम है तो आप ध्यान से कर लें। ये दोस्तों हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगा रखी है पेस्टिंग के बगल से, उसके पर जस्ट एक सूत छोड़ के हमें इसको छांट देना है। ये देखिए इस तरीके से, जैसे निशान लगाया मैंने इसी तरीके से एक सूत छोड़ के कपड़ा आगे हम कट कर देंगे। ये देखिए
अगर दोस्तों आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें, मैं उस पर बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये हमारा ऑलमोस्ट बाजू हमारा बन चुका है, स्कैल्पिंग का डिज़ाइन डल चुका है इसमें। अब बस हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है। देखिए बहुत आसान तरीके से पलट जाएगा ये इस तरीके से। दोस्तों पलट गया, अब क्या करना है हमें इस पर प्रेस लगाना है, ठीक है। इसको इस तरीके से प्रेस कर लेंगे जिससे बैठ जाएगा पूरा ये हमारा। देखिए दोस्तों प्रेस लग गया है और अभी से बन चुका है, बैठ चुका है, कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। बिल्कुल परफेक्ट गोलाई आई है, ऑलमोस्ट हमारा ये रेडी है। बस इस पर एक स्टिचिंग लगानी है सिलाई। देखिए इसके ऊपर लगाएंगे हम सिलाई, यहाँ पर लप पे सिलाई लगा देंगे और हमारा बाजू कंप्लीट। ये देखिए ये हमारी सिलाई लग गई और दोस्तों हमारी बाजू बनके तैयार हो चुकी है। अब हमें इस तरीके से इसको सेंटर में रखना है, देखिए इस तरीके से, ताकि गोलाई आमने सामने आ जाए। और फिर जितना भी आपका मोहरी हो उतना रखना है, जैसे कि मेरा 11 है तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगा और इसको यहाँ से सिलाई लगा दूंगा। ये देखो दोस्तों लग गई सिलाई। अब हम इस पे एक और एक्स्ट्रा सिलाई लगा देंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए दोस्तों कितना प्यार बना हमारा और कितना इजी है इसे बनाना। अगर आप दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, तो मैं इसी तरीके की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।